नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में टू स्टेप्स होते हैं फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड सेकेंड स्पर्मियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड पढ़ लिया था उसके अंदर अगेन थ्री फेजेस थी मल्टीप्लीकेटिव फेज, ग्रोथ फेज एंड मेचुरेशन फेज मल्टीप्लीकेटिव फेज के अंदर सेल मल्टीप्लाई कर रही थी प्राइमरी जर्म सेल माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो रही थी और फॉर्म कर रही थी बहुत सारी सेल्स को जिनको कह रहे थे स्पर्मेटोगोनिया फिर स्पर्मेटोगोनिया एंटर करेगी ग्रोथ फेज के अंदर जिसमें वो ग्रो करेगी ग्रो करने पर उसको कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे मल्टीप्लिकेटिव मेचुरेशन फेज में एंटर करेगी उसमें जाके वो फिर मियोसिस के थ्रू डिवाइड होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड मियोसिस वन के थ्रू डिवाइड होगी और फॉर्म करेगी टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड को जिनमें होगा क्रोमोजोम नंबर हाफ वो होंगी हैप्लोइड फिर दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड्स अगेन डिवाइड होंगी मियोसिस सेकेंड से जिससे वो फोर सेल्स को प्रोड्यूस करेंगी और वो फोर सेल्स भी होंगी हैप्लोइडी इन फोर सेल्स को आप कहेंगे स्पर्मेट्स तो यहां तक का प्रोसेस जो था वो था फॉर्मेशन ऑफ यानी स्पर्मेटेडिड का बनना अब आगे कौन सा प्रोसेस होगा आगे प्रोसेस होगा स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में जो स्पर्मेटेड बन गए स्पर्मेटिड कैसे होते हैं राउंड होती हैं सेल्स न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा जेनेटिक मटेरियल के साथ उनमें न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होंगी और अदर जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं सेल ऑर्गेनल हैं सेंट्रियोल हैं या लाइसोसोम है राइबोसोम है वो सब भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं अब ये होती है राउंड इसमें लोकोमोशन के लिए मूवमेंट के लिए कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती ये मूव नहीं कर सकती एक जगह से दूसरी जगह पर अपने आप नहीं जा सकती अब ये ट्रांसफॉर्म होती है इसमें चेंजेस आते हैं इसका शेप फंक्शन सब बदल जाता है और ये क्या बना लेती है फिर एक स्पेशल सेल बना लेती है जिसको कहते हैं स्पर्म सेल ये कैसी होगी अब इसका शेप चेंज हो जाएगा इसकी शेप एलोंगेटेड हो जाएगा लंबा हो जाएगा और इसकी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा टेल पार्ट प्रेजेंट होगा जिसकी हेल्प से ये फिर मूव भी कर पाएगा यानी खुद एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाएगा अब स्पम का क्या फंक्शन होता है स्पम ओवम को फर्टिलाइज करता है ओवम की सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड कर घटित कर कर, कर, कर उसके अंदर एंटर कर जाता है तो स्पर्मेटेड जो होता है ये है स्पर्मेटेड इसमें कैपेसिटी नहीं होती फर्टिलाइजेशन की ये एक तो मूव नहीं कर सकता सेकंड ये ओवम की सेल ओवम जो है सेल उसके अंदर भी नहीं जा सकता इसलिए क्या होगा ये मॉडिफाई होगा चेंज आएगा इसके अंदर और किस में चेंज हो जाएगा ये स्पर्म में चेंज हो जाएगा अब इसके अंदर कैपेसिटी होगी एक तो फर्टिलाइजेशन की और सेकेंड मूवमेंट की मूव कर सकेगा ओवम तक जाएगा और ओवम की मेम्ब्रेन को डिग्रेड कर अपघटित कर उसके अंदर एंटर कर जाएगा और दोनों के न्यूक्लियस स्पर्म का न्यूक्लियस एंड जो ओवम है उसका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे जिसको क्या कहेंगे जिससे क्या बन जाएगा जयकोड बन जाएगा ठीक है पूरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन अब ये कैसे बनता है एक तो इसकी स्ट्रक्चर में इस जो बनेगा इसके स्ट्रक्चर में कितने पार्ट्स होंगे मेनली फोर पार्ट्स होते हैं फर्स्ट होता है हेड तो जिस पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसका न्यूक्लियस जो था वो किस पार्ट में प्रेजेंट है इस पार्ट में प्रेजेंट है इस पार्ट को तो कहेंगे हेड तो ये क्या है स्पर्म का हेड फिर एक और पार्ट आता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं ये जो पार्ट है ये है इसका मिडल पीस जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। हेड एंड मिडल पीस को ज्वाइन करने के लिए एक पतला होता है कंपेरेटिवली स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसको कहते हैं नेक तो इन दोनों के बीच में क्या है नेक प्रेजेंट है जो हेड को मिडल पीस से जोड़ रहा है वो मिडल इसके आगे एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर निकलता है एक बहुत पतला धागे जैसा स्ट्रक्चर निकलता है देखने में कैसा लगता है ये फ्लैजिला जैसा भी कह सकते हैं अपन कि फ्लैजिला जैसा लगता है ये है फिर लास्ट पार्ट इसका टेल पार्ट तो मेनली तो मेजर तो थ्री पार्ट्स होते हैं हेड है मिडल पीस है, है टेल है बाकी फिर ऐसे कहो तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर नेक नेक और प्रेजेंट होता है तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे हेड है नेक है मिडल पीस है एंड टेल है फोर्थ पार्ट हो जाते हैं अब ये बनता कैसे है फॉर्मेशन कैसा होगा स्पर्मियोजेनेसिस क्या है फॉर्मेशन तो फर्स्ट हेड का फॉर्मेशन कैसे होगा हेड कैसे बनेगा हेड के अंदर क्या है एक तो है न्यूक्लियस तो मेन चीज क्या होती है हेड के अंदर हेड कितने पार्ट से मिलकर बना होता है टू पार्ट से मिलकर बना होता है एक तो होता है हेड के अंदर न्यूक्लियस तो ये जो मेन पार्ट है ये क्या है इसका न्यूक्लियस ये पूरा है हेड ठीक है ये जो है ये है ये पूरा हेड हेड के अंदर मेन तो होगा न्यूक्लियस तो ये जो मेन है ये है इसका न्यूक्लियस और इसके ऊपर है एक्रोसोम ये है एक्रोसोम अब जो फर्मेट था उसका न्यूक्लियस इतना प्रोमिनेंट नहीं था यानी साइज में बड़ा नहीं था अब पहले तो क्या होता है जो न्यूक्लियस है वो साइज में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है प्रोमिनेंट हो जाता है सेकेंड चीज़ क्या होगी इसके अंदर डी एन ए के डी एन ए के साथ आर एन ए भी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर अब इसमें आर एन ए इसका धीरे धीरे गायब हो जाता है क्या लिया जाता है इसके अंदर सिर्फ डी एन ए मेन चीज़ क्या है डी एन ए है जो कैरेक्टर्स को फीचर्स को जनरेशन टू जनरेशन लेके जाएगा तो सिर्फ इसके अंदर क्या बचता है डी एन ए बचता है आर एन ए नहीं रहता एक तो इसके अंदर फिर न्यूक्लियस के अंदर हमेशा क्या प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं एक या दो ज़्यादा हो सकती हैं इसके अंदर वो न्यूक्लियस भी डिसअपेयर हो जाती है नहीं रहती गायब हो जाती है तो इसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ क्या होगा एक तो डीएनए होगा जेनेटिक मटेरियल और सेकंड इसमें न्यूक्लियस भी एबसेंट होगी और ये साइज में बड़ा हो जाएगा और सेकंड पार्ट होगा एक्रोसोम एक्रोसोम फर्स्ट फर्स्ट ईयर में स्टडी किया था एक्रोसोम कैसे बनता है किससे बनता है तो एक्रोसोम बनता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से किससे बनेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स से गोल्जी कॉम्प्लेक्स की एक वैसिकल क्या होती है साइज में बड़ी हो जाती है इसके अंदर एक ग्रैन्यूल बन जाता है एक डार्क कलर का पार्टिकल बन जाता है उसको कहते हैं प्रो एक्रोसोमल अब या तो एक सिंगल ग्रैन्यूल बन सकता है जो साइज़ में बड़ा होगा या फिर दो तीन चार ग्रेन्यूल्स बन सकते हैं जो आपस में बाद में थोड़े टाइम बाद जॉइन हो जाएंगे और दोबारा एक बड़ा ग्रेन्यूल बना लेंगे फिर उस ग्रेन्यूल को क्या कहेंगे प्रो एकोसोमल ग्रेन्यूल तो डायरेक्टली एक बड़ा प्रो एकोसोमल ग्रेन्यूल बन सकता है या फिर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बन सकते हैं जो आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे फिर प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल अब ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की वैसिकल है इसके अंदर से वाटर बाहर निकल जाएगा और ये जो प्रोट एसोमल ग्रैन्यूल है वो साइज़ में बड़ा हो जाएगा पानी बाहर निकल गया तो सिर्फ एक मेम्ब्रेन की पतली सी लेयर रह जाएगी इसके अंदर उसके बीच में क्या होगा ग्रैन्यूल अब इसको क्या कहेंगे एक्रोसोमल ग्रैन्यूल अब गोल्जी बॉडी जो होता है या गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है उसमें वैसिकल के साथ और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं अदर ट्यूब्यूल्स या सिस्टर्नी अदर अदर, अदर स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट होती हैं तो फिर वो अदर स्ट्रक्चर्स भी बाद में गायब हो जाती हैं क्या कहते हैं उनको गोल्जी रेस्ट और वो डिग्रेड हो जाती है इसके नीचे क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस तो ये क्या करता है आप अब इसको कहेंगे एक्रोसोमल ग्रैन्यूल अब इसके ऊपर एक कैप लाइक -like स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाता है कैसे बना लेगा इसकी तरफ इसकी चारों तरफ एक कैप बना लेगा ये ग्रेन्यूल ग्रैन्यूल के ऊपर होगी मेम्रीन गोल्जी वेसिकल की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी तो ये बन जाएगा एक्रोसोम और ये न्यूक्लियस है ही तो ये न्यूक्लियस है उसके ऊपर एक्रोसोम किससे बना है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की एक वेसिकल से जिसके अंदर प्रेजेंट है एक ग्रैन्यूल ठीक है अब हेड वाले पार्ट में और क्या होगा न्यूक्लियस है एक्रोसोम है अब इसके अंदर साइटोप्लाज्म नॉर्मल जो स्पर्मेटेड था स्पर्मेटेड में साइटोप्लाज्म जो है वो ज़्यादा होता है और साथ ही इसमें फिर राइबोसोम हुए या लाइसोसोम हुए ऐसे अदर अदर स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं अब धीरे धीरे क्या होगा जो साइटोप्लाज्म में उसका अमाउंट कम होता जाएगा साइटोप्लाज्म बहुत थोड़ा सा ही रह जाएगा बस एक पतली सी लेयर बना लेगा इसकी चाउच बहुत सारा था पहले अब बहुत सारा नहीं रहा क्या करा उसने थोड़ा सा रह गया उसने एक पतली सी शीट बना ली कवर बना लिया चारों तरफ तो साइटोप्लाज्म का अमाउंट बहुत कम होता है किसके अंदर हेड वाले पार्ट के अंदर या पूरी इस फॉर्म में अपन देखें तो साइड्रोप्लाज्म बहुत कम रह जाता है अब इसकी चार्दर ऑफ मेम्ब्रेन होगी मेन जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होगी तो हेड वाले पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस प्रेजेंट है मेन जो पार्ट बना रहा है वो क्या बना रहा है न्यूक्लियस उसके बाद एक्रोसोम न्यूक्लियस को कवर करते हुए प्रेजेंट है उसके एंटीरियर वाला जो पार्ट है आगे वाला जो पार्ट है उस पर एक कैप लाइक शेप में अरेंज है और उसको कवर कर रहा है उसके आगे वाले पार्ट को कवर कर रहा है इनके चारों तरफ क्या है साइटोप्लाज्म की पतली सी लेयर है जिसमें सेल ऑर्गेनल्स भी बहुत कम है और बाद में है सेल मेम्ब्रेन तो ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन ये है हेड का स्ट्रक्चर या कैसे बना हेड तो चेंजेस आए उसमें और हेड का फॉर्मेशन हो गया अब होगा नेक अब ये जो स्पर्मेटेड है इसमें कितने सें, सेंट्रो सेंट्रोसेंचुर प्रेजेंट होते हैं दो सेंचुर प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली एक सेल में एक सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है फर्स्ट ईयर में स्टडी कर चुके हैं क्या होता है सेंचुर सेंट्रोसोम तो नॉर्मली एक जो सेल है उसके अंदर कितने सेंचुरल प्रेजेंट होते हैं दो सेंचुर प्रेजेंट होते हैं ऐसे दो सेंचुर प्रेजेंट होंगे जो कैसे होंगे एक दूसरे के नाइन्टी डिग्री पर होंगे बस पूरे को क्या कहेंगे सेंट्रोसोम तो सेंट्रोसोम तो एक होता है सेंट्रिओल कितने होते हैं दो होते हैं तो इसमें भी सेम है कितने प्रेजेंट होंगे दो सेंट्रिओल प्रेजेंट होंगे दोनों 90 डिग्री पर अरेंज रहेंगे अब इनमें से एक जो है जो कहां पर होगा यहां पर प्रेजेंट है न्यूक्लियस के जस्ट नीचे न्यूक्लियस में एक गड्ढा सा बन जाता है उसके पोस्टीरियर वाले रीजन में पीछे के साइड पर उस कि अंदर जाके फिट हो जाता है क्या एक सेंचुरी ऑफ सोल नाइंटी डिग्री एक जाता है। इसको क्या कहेंगे प्रॉक्सिमा सेंच्री अब दूसरा जो है वो इसके नाइन्टी डिग्री पे होगा एक ही ये आगे से शो किया हुआ है एक इसके नाइन्टी डिग्री पे होगा तो एक ऐसे होगा फिर ये वाला कैसे है ऐसे खड़े में उसके नीचे होगा फिर तो ये सेकेंड सेंट्रीओल है सेकेंड सेंचुरल को कहेंगे फिर डिस्टल सेंचुरल ठीक है तो एक होगा प्रोक्सिमल सेंचुरल उसके फिर नाइन्टी डिग्री पर होगा डिस्टल सेंचुरल प्रोक्सिमल सेंचुरल तो जिस पार्ट में प्रेजेंट है प्रोक्सिमल ये इतने पार्ट में प्रेजेंट है इस प्रोक्सिमल सेंचुरल और थोड़ा सा पार्ट डिस्टल सेंचुरल का भी है इस रीजन को क्या कहेंगे फिर नेक तो ये कौन सा रीजन हो जाएगा नेक रीजन तो नेक रीजन किससे बनता है सेंट्रूल से बनता है इस परमेटेड में सेंट्रूल कहाँ थे न्यूक्लियस के इतने ज़्यादा पास नहीं थे वैसे जैसे इस परमेट इस पर म्यू होगा वैसे वैसे जो सेंट्रूल है वो कहाँ जाएंगे इसके न्यूक्लियस के जस्ट पास नहीं और उसके पीछे वाले पार्ट में आ जाएंगे और एक गड्ढी के अंदर जाके प्रॉक्सिमा सेंट्रूल अरेंज हो जाएगा डिस्टल तो सेंट्रुल से नाइन्टी डिग्री पर होगा ये जो रीजन बनेगा फिर इसको कहेंगे नेक रीजन क्या है ये नेक है डिस्टल सेंट्रुल प्रेजेंट होता है नेक में उसका जो पीछे का पार्ट होता है फिर वो एक फिलामेंट बना लेता है उससे क्या निकलता है एक फिलामेंट निकलता है तो उस फिलामेंट को क्या कहेंगे एग्जियल फिलामेंट क्या बनाता है फिर डिस्टल सेंट्रुल पीछे का जो पार्ट है वो बनाएगा एग्जियल फिलामेंट तो जो एग्जियल फिलामेंट है उसका आगे वाला जो पार्ट है उस पर माइटोकॉन्ड्रिया की अरेन्ज हो जाएंगी स्पायरली कैसे अरेंज होंगी स्पायरल मैनर में है मिडल मिडल पीस पीस रीजन में इसके चारों तरफ आके फिर माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे स्पायरली अरेंज हो जाएंगे बहुत सारे और इसके चारों तरफ एक कवर बना लेंगे उस कवर को क्या कहेंगे फिर निबेन इसके चारों तरफ जो कवर कवर बन जाएगा वो होगा निबेनकर्ण एग्जेट प्लामेंट है उसके चारों तरफ माइटोकोन्ड्रिया अरेंज हो गए तो माइटोकोन्ड्रिया का ही जो कवर है वो है निबेन कर्न अब इसके ऊपर जो फिर साइटोप्लाज्म की लेयर प्रेजेंट होगी सेल लेर हो से तो साइडोप्लाज्मा प्रेजेंट हो गई बहुत कम अमाउंट प्रेजेंट होता है पर प्रेजेंट होता है तो ये जो साइटोप्लाज्म का कवर है इसको क्या कहेंगे फिर मैन शेट तो ये कवर होगा मैन स्पेलिंग okay. का नोट्स में ध्यान रखना वीडियो से मैच कर लेना एक बार स्पेलिंग सारे नोट्स की तो निबेनकरण तो माइटोकॉन्ड्रिया का कवर फिर माइटोकॉन्ड्रिया पे जो साइटोप्लाज्म की लेयर है वो है मैंडशेट तो ऐसे फॉर्म हो जाएगा मिडल पीस मिडल पीस का फंक्शन क्या है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है एनर्जी देने का काम करता है इस पर टेल क्या काम करेगी मूवमेंट का काम करेगी अब मूव करने के लिए क्या चाहिए एनर्जी तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी फिर इन से ही मिलेगी यही फॉर्म करेंगे एनर्जी को अब तो जो एक्सेल प्लामेंट है वो मिडल पीस वाले रीजन से भी आगे निकलता है अब जितना भी ये प्रेजेंट होगा एग्जेल प्लामेंट इसके ऊपर किसकी लेयर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्मिक लेयर है एक तो और सेल मेम्ब्रेन है ही अब ये जो सारा सेगमेंट बच गया ये क्या होगा टेल रीजन तो एक्ज फ्लामेंट उसके चारों तरफ पतली सी लेयर साइटोप्लाज्म की और उसके चारों तरफ फिर सेल मेम्ब्रेन इस पूरे को क्या कहेंगे अब टेल टेल में भी अपन देखें तो एक तो मेन पार्ट होता है एक होता है एंड पीस एग्जियल फ्लामेंट पूरा तो किससे कवर रहता है साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन से कवर रहता है बट इस का जो एग्जेप्लामेंट आगे इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि साइटोप्लाज्म और जो सेल मेम्ब्रेन है अब उसको कवर करके नहीं रख पाती और ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो थोड़ा जो एग्जेप्लामेंट का जो एंड वाला पार्ट होता है वो बिना कवर किया हुआ ही रह जाता है उसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट नहीं होता सिर्फ एग्ज्लामेंट ही होता है इस पार्ट को क्या कहते हैं फिर एंड पीस ऐसे फॉर्म होता है स्पर्म किससे स्पेटिक्स अब इसमें फीचर्स आ जाते हैं एक तो टेल बन गई जिससे क्या हो रहा है लोकोमोशन में मूवमेंट में हेल्प कर रही है अब ये मूव कर पाएगा मिडल पीस बन गया जिससे इसको एनर्जी मिल रही है नेक है जो हेड और मिडल पीस को अटैच करके रख रहा है हेड वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस जो जिसमें जीन्स हैं डीएनए एन ए हैं जो फर्टिलाइजेशन में ज़रूरी है आगे जाके जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा उसके लिए ज़रूरी है साथ में इसमें एक्रोसोम भी प्रेजेंट है जो क्या करेगा ओवम की जो एग मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन है उसको डिग्रेड कर देगा तो ये अब इसमें कैपेसिटी आ गई ये ओवम को डिग्रेड भी कर सकता है तो ओवम के अंदर भी एंटर कर सकता है साथ में मूव भी कर सकता है तो स्पर्मेटिड का जो स्ट्रक्चर है फंक्शन है वो चेंज हो गया और क्या बन गया स्पर्म बन गया इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस